मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास यूकेजी, सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे योर टॉपिक इज अपोजिट, ओ डबल पी ओ एस आई टी ई। सबसे पहले आप ये हेडिंग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अपोजिट क्या होते हैं? जो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं, जैसे अच्छा का गंदा, काला का गोरा, बाहर का अंदर, इस तरह से जो बिल्कुल उसके अपोजिट होगा, ठीक है। अब यहाँ नंबर वन डालेंगे और लिखेंगे जी ओ, फिर ऐसे डैश लगाना है आपको बीच में, जीओ गो। गो का अपोजिट क्या होता है? गो का अपोजिट कम। गो मतलब जाना और कम मतलब आना, ठीक है। तो डैश लगाकर आप लोग थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखेंगे सी ओ एम ई, सी ओ एम ई कम। गो का अपोजिट कम, जी ओ गो। गो का अपोजिट कम, सी ओ एम ई कम। गो होता है जाना और कम होता है आना। नेक्स्ट टू नंबर डालेंगे, अब लिखेंगे आई एन, आई एन इन। इन का अपोजिट आउट, आई एन इन। जब कोई चीज़ अंदर के लिए यूज़ करते हैं, आपको मैंने प्रीपोजिशन में बताया था, जब यूज़ किया था हमने इन ऑन और अंडर का, तो आई एन इन। इन का अपोजिट आउट, इन हो गया अंदर और आउट मतलब बाहर। डैश लगाने के बाद स्पेस छोड़कर लिखेंगे ओ यू टी, ओ यू टी आउट। आई एन इन, इन का अपोजिट आउट, इन मतलब अंदर, प्राउड मतलब बाहर। अपोजिट बिल्कुल हो गया ना एकदम इसका मतलब। अब नेक्स्ट लिखिए बी एल ए सी के, बी एल ए सी के, ब्लैक। ब्लैक क्या होता है? काला, मैंने आपको कलर्स में भी बताया है। और ब्लैक का अपोजिट क्या होगा फिर? सफ़ेद, यानी वाइट, ठीक है। हिंदी में सफ़ेद बोलते हैं, इंग्लिश में वाइट। तो ब्लैक काला, और काला का अपोजिट सफ़ेद, और फिर इंग्लिश में बोलेंगे वाइट। डब्ल्यू एच आई टी ई, डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट। ब्लैक का अपोजिट वाइट, बी एल ए सी के ब्लैक। ब्लैक का अपोजिट वाइट, डब्ल्यू एच आई टी ई वाइट। नेक्स्ट फोर नंबर डालेंगे, अब लिखेंगे यू पी, यू पी आप। आप क्या होता है? अप होता है ऊपर। आपका अपोजिट डाउन, डाउन मतलब नीचे। तो आपका अपोजिट क्या लिखेंगे आप? डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन। आपका अपोजिट डाउन, अप मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे। यू पी अप, आपका अपोजिट डाउन। नेक्स्ट है फाइव नंबर डालेंगे आप और लिखेंगे जी डबल ओ डी, जी डब्लू ओ डी गुड। गुड मतलब तो सब बच्चे जानते होंगे, कहते हैं ना गुड बॉय गुड गर्ल। तो गुड का अपोजिट बैड मतलब गंदा। गुड होता है अच्छा और बैड होता है गंदा। तो गुड का अपोजिट बैड, बी ए डी, बी ए डी बैड। गुड का अपोजिट बैड। नेक्स्ट सिक्स नंबर डालेंगे जी डब्लू ओ डी गुड, बी ए डी बैड। स्पेलिंग भी लर्न कर लिया आपको। सिक्स नंबर डालेंगे अब लिखेंगे Y E S, Y E S yes, yes का अपोजिट yes क्या होता है? कहते हैं yes ma'am। तो yes का अपोजिट इसका उल्टा बिल्कुल no। N O, N O no। तो yes का अपोजिट क्या हुआ? N O no मतलब नहीं। Y E S yes, तो yes का अपोजिट no, N O no। नेक्स्ट सेवन नंबर डालेंगे, अब लिखेंगे B O Y, B O Y boy, boy का अपोजिट girl। G I R L, G I R L girl, boy का अपोजिट girl, ठीक है। नेक्स्ट है एट नंबर पर, अब लिखिए T R U E,
Are you eat? True. The are you eat true? True का opposite false. F A L S E. F A L S E false. True मतलब होता है सच. कहते हैं एक बात बिल्कुल true है, सच है. और false होता है झूठी यानी wrong. True का opposite false. F A L S E false. ठीक है, एक बार सब बच्चे मेरे साथ हल करेंगे. इन सब का भी तो मैंने आपको समझा दिया है. अब हल करेंगे. जीओ गो, गो का अपोजिट कम. सी ओ एम ई कम. गो का अपोजिट कम. आई एम इन, इन का अपोजिट आउट. ओ यू टी आउट. बी एल ए सी के ब्लैक. ब्लैक का अपोजिट व्हाइट. डब्ल्यू एच आई टी ई व्हाइट. यू पी अप, अप का अपोजिट डाउन. डी ओ डब्ल्यू एन डाउन. जी डब्ल्यू ओ टी गुड. गुड का अपोजिट बैड. बी ए डी बैड. वाई ई एस यस. यस का अपोजिट नो. एंड नो नो. बी ओ वाई बॉय. बॉय का अपोजिट गर्ल. जी एम आर एन गर्ल. टी आर यू ई ट्रू. ट्रू का अपोजिट फॉल्स. एफ ए एल एस ई फॉल्स. ये सब बच्चों को लर्न भी करना है और होमवर्क करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है. ओके.